ओम श्री हरि। आज हम विनय पत्रिका के पद संख्या 29 से 31 तक का पाठ करेंगे। इसमें तुलसीदास जी ने हनुमान जी की स्तुति की है। आइए पद संख्या 29 आरंभ करते हैं। जयति निर्भरानंद संदोह कपि केसरी केसरी सुवन भुवनैक भर्ता दिव्य भूमि अंजना मंजुलाकुर्मणि भक्त संताप चिंता पहरता जयति धर्मार्थ कामाप वर्गद विभो ब्रह्मलोकादि वैभव विरागी वचन मानस कर्म सत्य धर्म प्रति जानकी नाथ चरणानुरागी जयति वेगेश बल बुद्धि वेगाति मद मथन मन मत मथन ऊर्ध रहिता महानाटक निपुण कोटिक विकुल तिलक गान गुण गर्व गंधर्व जेता जयति मंदोदरी केश कर्षण विद्यमान दशकंठ भट मुकुट मानी भूमि जा दुख संचात रो शांत कृत जात नांजत कृत जात उधानी जयति रामायण श्रवण संचात रोमांच लोचन सजल शिथिलवाणी राम पद पद्म मकरंद मधुकर पाहि दास तुलसी शरण शूल पाणी। इस पद में हनुमान जी की स्तुति करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, हे हनुमान जी तुम्हारी जय हो। तुम पूर्ण आनंद के समूह मानवमय साक्षात केसरी सिंह केसरी के पुत्र और संसार के एकमात्र भरण पोषण करने वाले हो। तुम अंजने रूपी दिव्य भूमि की सुंदर खान से निकली हुई मनोहर मणि हो और भक्तों के संताप और चिंताओं को सदा नाश करते हो। हे विभो तुम्हारी जय हो। तुम धर्म अर्थ काम और मोक्ष के देने वाले हो। ब्रह्मलोक तक के समस्त भोग ऐश्वर्य में वैराग्यवान हो। मन वचन और कर्म से सत्य रूप धर्म के व्रत का पालन करने वाले हो और श्री जानकीनाथ राम जी के चरणों के परम प्रेमी हो। तुम्हारी जय हो। तुम गरुड़ के बल बुद्धि और वेग के बड़े भारी गर्व को खर्व करने वाले तथा कामदेव के नाश करने वाले बाल ब्रह्मचारी हो। तुम बड़े बड़े नाटकों के निर्माण और अभिनय में निपुण हो। करोड़ों महाकवियों के कुल शिरोमणि और गान विद्या का गर्व करने वालों पर विजय पाने वाले हो। तुम्हारी जय हो। तुम वीरों के मुकुटमणि महाअभिमानी रावण के सामने उसकी स्त्री मंदोदरी के बाल खींचने वाले हो। तुमने श्री जानकी जी के दुख को देखकर उत्पन्न हुए क्रोध के वश हो राक्षसियों को ऐसा क्लेश दिया जैसा यमराज पापी प्राणियों को दिया करता है। तुम्हारी जय हो। श्री राम जी का चरित्र सुनते ही तुम्हारा शरीर पुलकित हो जाता है। तुम्हारे नेत्र में प्रेम के आंसू भर आते हैं और तुम्हारी वाणी गदगद हो जाती है। हे श्री राम के चरण कमल पराग के रसिक भौरे हे हनुमान रूपी त्रिशूलधारी शिव यह दास तुलसी तुम्हारी शरण है इसकी रक्षा कर। पद संख्या 30 आरंभ करते हैं। जाके गति है हनुमान की ताकि पैज पूजी आई यह रेखा पुलिस पशान की अघटित घटन सुघट विघटन ऐसे विरुदावली नहीं आन की सुमरत संकट सोच विमोचन मूर्ति मोद निधान की कापर सानुकूल गिर जाहर लखन राम अरुजान की तुलसी कपि की कृपा विलोकन हानि सकल कल्याण की। इस पद में तुलसीदास जी कहते हैं, जिसको सब प्रकार से श्री हनुमान जी का ही आश्रय है उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो ही गई। यह सिद्धांत वज्र या हीरे की लकीर के समान अमिट है, क्योंकि श्री हनुमान जी असंभव घटना को संभव और संभव को असंभव करने वाले हैं। ऐसे यश का बाना दूसरे किसी का भी नहीं है। श्री हनुमान जी की आनंदमयी मूर्ति का स्मरण करते ही सारे संकट और शोक मिट जाते हैं। सब प्रकार के कल्याणों की खान श्री हनुमान जी की कृपा दृष्टि जिस पर है ये तुलसीदास, उस पर पार्वती शंकर लक्ष्मण श्री राम और जानकी जी सदा कृपा क्या करती हैं। आइए पद संख्या 31 आरंभ करते हैं। ताकि है तम की ताकि ओर को जाको है सब भांति भरोसो कपि केसरी किशोर को जन रंजन अरि गन गंजन मुख भंजन खल भर झोर को वेद पुराण प्रकट पुर सारथ
सकल सो भट सिर मोर को उत्पे थपन थपे उत्पन पन बेवद वृंद बंदी छोर को जलद लांग दहिलंक प्रबल बल धलन साचर घोर को जाको बाल विनोद समझ जिय डरत दिवाकर भोर को जाकी जीवक चोट चूरन किए रद मद पुलिस कठोर को लोकपाल अनुकूल बिलोकी वो चहत बिलोचन कोर को सदा अभय जय मुद मंगल में जो सेवक रन रोर को भगत काम तरुनाम राम परिपूरन चंद चकोर को तुलसी फल चारु कर तल जस गावत गई बहोर को। इस पद में हनुमान जी की स्तुति करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, जिसे सब प्रकार से केसरी नंदन श्री हनुमान जी का भरोसा है, उसकी ओर भला क्रोध भरी दृष्टि से कौन ताक सकता है। हनुमान जी के समान भक्तों को प्रसन्न करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, दुष्टों का मुंह तोड़ने वाला बड़ा बलवान संसार में और कौन है। इनका पुरुषार्थ वेद और पुराणों में प्रकट है। इनके समान समस्त शूरवीरों में शिरोमणि दूसरा कौन है। इनके समान सुग्रीव विभीषण आदि राज बहिष्कृतों को पुनः स्थापित करने वाला, सिंहासन पर स्थित बाली रावण आदि राजाधिराजों को राज्यच्युत करने वाला, देवताओं को प्रण करके रावण के बंधन से छुड़ाने वाला, समुद्र लांग कर लंका को जलाने वाला और बड़े बड़े बलवान भयानक राक्षसों के बल का नाश करने वाला दूसरा कौन है। जिनके बाल विनोद को याद करके अब भी प्रातकाल के सूर्यदेव डरा करते हैं, जिनकी ठोड़ी की चोट ने कठोर वज्र के दांतों का घमंड चूर कर दिया, बड़े बड़े लोकपाल भी जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं, ऐसे रणबांकुरे हनुमान जी की जो सेवा करता है, वह सदा निडर रहता है, शत्रु पर विजय होता है और संसार के सभी सुख तथा कल्याण रूप मोक्ष को प्राप्त करता है। पूर्ण कला संपन्न चंद्रमा जैसे श्री रामचंद्र जी के मुख को अनिमेष दृष्टि से देखने वाले चकोर रूप हनुमान जी का नाम भक्तों के लिए कल्पवृक्ष के समान है। हे तुलसीदास, गई हुई वस्तु को फिर से दिलाने वाले श्री हनुमान जी का जो गुण गाता है, अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप चारों फल सदा उसकी हथेली पर धरे रहते हैं। जय श्री।